जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, खेती या बागवानी में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं कीड़े। बड़े कीड़े तो आसानी से नज़र में आते हैं, लेकिन छोटे कीड़े नज़र आते आते काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। छोटे कीड़े हमेशा कॉलोनी में रहते हैं, जिसके कारण ये पूरे पौधे में फैलते रहते हैं। एफिर जासीड, थ्रिफ जैसे स्केल इंसेक्ट भी एक सकिंग पेस्ट है, जिसके कारण पत्तों के हाल कुछ इस प्रकार हो जाता है। इसके वजह से कुछ दिन बाद पत्ते पीले पड़ते हैं और आखिरकार झड़ जाते हैं। इसी के कारण कई बार कम फूल आते हैं, और फल आते भी हैं तो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, ये कीट पत्तों से, डाली से, फल से रस चूसता है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ भी अफेक्ट होता है। स्केल इंसेक्ट की फीमेल एक सीजन में 80 से 100 अंडे देते हैं, जिसका लाइफ साइकिल गर्मी में 5 हफ्ते में और सर्दी में 10 हफ्ते में कम्प्लीट होता है, जिस दौरान ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसे आसानी से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, फ्लावरिंग स्टेज में और हार्वेस्टिंग स्टेज में इसका ग्रोथ पीरियड रहता है, तब नीम ऑयल 5 मिली प्रति लीटर स्टिकर के साथ मिलाकर महीने में 2 बार स्प्रे करने से काफ़ी हद तक ये कीट कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इमिडाक्लोपीड 1 मिली प्रति लीटर का स्प्रे भी कर सकते हैं इसके फैलाव को रोकने के लिए। दोस्तों, इसका फैलाव शुरुआती दौर में आसानी से नज़र नहीं आता, लेकिन ज़्यादा फैलाव होने से सादा धब्बे जैसा लगता है। इसका आक्रमण जब कम देखने को मिले तो तुरंत डाली को प्रून करके फेंक देना चाहिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया है तो थायमिथुसाम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर देने से बहुत जल्द रिजल्ट मिलता है। व्हाइट स्केल इंसेक्ट का अटैक फ्लावरिंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान देखा जाता है। नीम ऑयल या फिर कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रिवेंटिव स्प्रे लेने से ये समस्या ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता है। कई बार किसान इसको अनदेखा कर देते हैं, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आम में फ्लावरिंग से लेकर फूटिंग स्टेज तक का स्प्रे शेड्यूल हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे इंसेक्ट कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फ्रूट सेट के बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।